हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय और आप सबका मेरे विलेज रूट ऑफ गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देसी मुर्गी के बच्चे हैं, प्योर देसी मुर्गी के बच्चे हैं। तो 11 थे पहले, तो टोटली 12 निकले थे। आपने जो स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा उसमें 12 मिलेंगे आपको। एक थोड़ा लंगड़ा पैदा हुआ था तो वो खाने पीने की वजह से मर गया था, और ये बाकी 4 को बिल्ली खा गई थी। तो ये मेरे पास में लगभग अभी 7 बच्चे बचे हैं, और एक दो बच्चे और हैं अलग से, वो बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन अभी उसमें से जो निकले थे, इंक्यूबेटर से निकले हुए बच्चे हैं, लगभग 7 बच्चे हैं, पूरे एक्टिव। आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं थोड़ा हाथ उनको लगाऊंगा, देखना भागेंगे पूरा। देख सकते हैं आप, पूरा एक्टिव है एकदम से, और लगभग 12 से 13 दिन के हो चुके हैं ये आज। तो इन पे सीरीज वीडियो चल रही थी, तो बीच में मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन आज मैं थोड़ी लंबी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ में टच में बना रहा हूँ इस वीडियो की मदद से। तो इसमें से लगभग मेरे को 2 मुर्गियाँ दिख रही है फ्रेंड्स, बाकी सब लगभग मुर्गे ही दिख रहे हैं। तो कैसे मैंने पहचाना, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। सीरीज के लास्ट में मैंने उसका लिंक दे देता हूँ, और बाकी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये मुर्गी है, इसके ज़्यादा बड़े बड़े पंख आए हुए हैं, और किधर भाग गई, ये रही, ये देख सकते हैं आप, बहुत फुर्तीली है, हाथ में नहीं आ रही है। ये देखिए, बड़े बड़े पंख हैं, और पंख के साइज़ और शेप से पहचान सकते हैं ये मुर्गी है। और पीछे पूंछ आई हुई है, जल्दी पूंछ से मुर्गी के ही आती है फ्रेंड्स, मुर्गी के लेट आती है। और एक ये वाइट वाली है, ये देख सकते हैं आप, वाइट और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन में है, इसकी भी दुम आई हुई है, और पंख देख लीजिए। बाकी सबके अलग अलग पंख है, ये एक मुर्गा है, तो मुर्गे के आपको ऐसे पंख मिलेंगे, या फिर एस टाइप के, और बहुत तेज है, या देख लीजिए एस टाइप के पंख मिलेंगे, इसके तो आए नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब पंख उल्टे सीधे शेप में जो आते हैं वो मुर्गे के ही आते हैं ऐसे, तो मुर्गे के लेट पंख भी आते हैं, दुम भी नहीं आती है। और एक और दिखा देता हूँ आपको, मतलब बहुत तेज है, ये देखिए, इसके भी दुम नहीं आई है, और पंख देखिए बिल्कुल भी नहीं आए, थोड़े बहुत आए हैं। और ये देख लीजिए, पूरा देसी मुर्गा है अपना, मतलब देसी मुर्गे चिक्स है। तो देख लिया आपने, पूरा हेल्दी है, पूरा सब कुछ सही है, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं है। और टेम्परेचर वगैरह लगभग, अभी मैंने ये कंट्रोलर वगैरह बंद कर दिया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, लगभग 30+ ही टेम्परेचर रहता है, तो ब्रूडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनको, 30+ से एनी टाइम टेम्परेचर रहता है, 30+ ही चाहिए होता है लगभग 12-13 दिन के बाद में। और खाने में मैं इनको क्या दे रहा हूँ, फीड में क्या दे रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं अभी। तो फीड में ये देखिए, गेहूँ का दलिया या गेहूँ पीस कर बोल सकते हैं, वो सब दे रहा हूँ, एक तो ये है, और दूसरा ये देखिए, खिचड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे, ये चावल है, मैंने ये चावल, नॉर्मल चावल है, कच्चा चावल जो बोलते हैं वो वाला चावल है, उसके अंदर मैंने मूंग की दाल जो होती है वो मिला रख के खिचड़ी बनाई हुई है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और वो खिलाता हूँ मैं इनको, और बीच बीच में अंडा वगैरह खिलाते रहता हूँ, या फिर इसी में अंडा डाल के खिला देता हूँ। तो ऐसे ही ये, इसलिए ही ये इतने एक्टिव हैं और अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं, सभी पूरा सही है, मेरे बच्चे लगभग जितने भी हैं। तो बस इतनी वीडियो थी फ्रेंड्स, खाने के बारे में बता दिया, टेम्परेचर के बारे में बता दिया, पानी अभी नॉर्मली दे रहा हूँ, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी है। स्टार्टिंग में जब पैदा हुए तब पहले दो दिन मैंने एंटीबायोटिक दी थी, ताकि इनके अंदर कोई भी बीमारी रह गई है, इनके पेरेंट्स से जो बीमारी आई है उसके बैक्टीरिया वगैरह है वो खत्म हो जाए, उसके बाद में कोई वैक्सीन, मतलब ना ही तो अभी तक इनकी वैक्सीन की है, ना इनको बाद में मल्टीविटामिन दिया, कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनको देसी तरीके से पाल रहे हैं, फुली देसी तरीके से, थोड़े दिन और ब्रूडिंग करेंगे इनकी, लगभग कुछ दिन और रखेंगे इनको, फिर बाद में चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में देखते रहिए, सीरीज में बने रहिए मेरे साथ में ही। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा, और कुछ पूछना है तो बताइएगा, और वीडियो में कुछ अलग देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे कमेंट में कीजिए, किस बात में एक क्या टॉपिक पर वीडियो बनाएं, मेरे को आजकल इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।